एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पार्ट टू ऑफ आवर चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट दी मोनोसैकेराइड्स। ओके, अब हमने जो स्टार्ट करना है मोनोसैकेराइड्स में, दैट इज ग्लूकोज। सो लेट मी पुट हियर द हेडिंग फर्स्ट। सी फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनमें हमारे पास 3 से लेकर 8 कार्बन एटम्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं। राइट, 3 to 8 कार्बन एटम्स कैन बी देयर इन द मोनोसैकेराइड्स। एंड मोनोसैकेराइड्स में होता है कि इनकी अगर और हाइड्रोलिसिस करें, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, तो ये कोई सिंपलेस्ट यूनिट्स नहीं दे सकते, मतलब इनकी और हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ कायरालिटी भी प्रेजेंट होगी, कुछ ना कुछ ऐसे कार्बन एटम्स होंगे जिनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम ये देखेंगे कि इनमें हमारे पास जो है एल्डिहाइड वाले भी मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं और कीटोन्स वाले भी मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, राइट, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन मोनोसैकेराइड्स में जो भी कार्बन के पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उनमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जहाँ पर ऑल द 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, तो वो कार्बन जो होता है वो दैट कैन बी सेड हैज टू बी कायरल कार्बन, इसके बारे में पढ़ेंगे। बट लेकिन हम जो है मेन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे जो ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम फर्स्ट पे पढ़ेंगे ग्लूकोज एंड सेकेंड पढ़ेंगे हम अबाउट द फ्रक्टोज। और यहाँ पर एक बात याद कर लीजिए कि ग्लूकोज में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, प्रेपरेशन भी होती है, फ्रक्टोज में भी ये होता है, और स्ट्रक्चर हम अलग से पढ़ते हैं इसका। सो बहुत सारी वीडियोस इन चीज़ों में ही बनेंगी, राइट। तो आप वन बाय वन हर वीडियो को वॉच करिए एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो लेट्स बिगिन विद द ग्लूकोज। नाउ सी फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट रहूँगा, बिकॉज हमें पता है कि हमारा सिलेबस इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम कवर करने के लिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, राइट। अगर आपको थोड़ा सा ये स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप 0.75x या फिर 0.5x पर इसे चला के देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का अदर नेम है हमारे पास, दैट इज डेक्सट्रोज, राइट। डेक्सट्रोज इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो है ग्लूकोज का मेन कंपाउंड जो है, दैट इज़ अल्फा डी ग्लूकोज, और ये इसके हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, मतलब ये डेक्सट्रोटेटरी मॉलिक्यूल है, और इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, राइट। तो ग्रेप शुगर इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये राइप्ड ग्रेप्स में होता है, इसलिए इसका नाम ग्रेप शुगर पड़ गया। एंड यहाँ पर एक बात और देखनी है कि ग्लूकोज का जो जनरल फॉर्मूला हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ C6H12O6, राइट। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास ग्लूकोज देखा जाता है कि ग्लूकोज जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे हो सकता है। एंड इसका बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, और जिस ब्लड में हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसमें उस पर्सन को हम कहते हैं कि इसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो चुकी है, राइट। तो इसके बारे में बहुत सारी केमिस्ट्री है, इसकी बायोलॉजी में भी इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट विद द प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि हम ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखो फ्रेंड्स, लेबॉरेटरी में इसे प्रिपेयर किया जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग करी जा सकती है। तो अगर मैंने लेबॉरेटरी में प्रेपरेशन करनी है, लैब प्रेपरेशन, राइट, तो लेबॉरेटरी में अगर प्रेपरेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है लाइक सुक्रोज, राइट, जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं। सो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, हमने फर्स्ट वीडियो में इसे पढ़ लिया था। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करें इन द एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम, देन इट विल गिव राइज टू द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, राइट। तो ये दोनों के फॉर्मूला तो सेम ही है। अब फॉर्मूला सेम है तो इनकी केमिस्ट्री भी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये एक कीटो शुगर है और एक ये एल्डो शुगर है, एंड ये इसका नाम है अल्फा प्लस डी ग्लूकोज। ओके, अब इन सारी टर्म्स का मतलब आपको समझाएंगे, पर लेकिन आप यहाँ तक समझ लीजिए, एंड दिस इज अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ओके, तो ये इसका भी मतलब हम आपको बाद में समझा देंगे। ओके, बस आप यहाँ देख लीजिए कि जब भी हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट आता है, दैट इज़ अवर ग्लूकोज।
ओके, सेकेंड जो हमने पढ़ना है अबाउट दिस मैन्युफैक्चरिंग, ओके, जब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो है ये लार्ज स्केल पर हम इसे बना सकते हैं फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। ओके, स्टार्च का मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, एंड इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज C6H10O5N, बिकॉज इट इज़ अ पॉलीमर। ओके, एंड इसमें हम N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालते हैं तो हमारे पास इन द एसिडिक मीडियम देन वी विल गेट दी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वी गेट N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। अगर इसकी मैं थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पहले इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में आया था कि ग्लूकोज जो है वो कौन से कलर का होता है। हमने घर पे भी देखा हुआ है ग्लूकोज हमारे घर पे होता है, वाइट क्रिस्टल होते हैं इसके, सो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। ओके, एंड ये जो है वैसे तो ये अकर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ मोनोहाइड्रेट, राइट। सो इसका जो है एक मोनोहाइड्रेट अकर होता है, एंड अगर देखा जाए सॉलिबिलिटी के ऊपर तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है, सो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, बट ये इन बहुत स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में और ईथर में तो ये सॉल्युबल ही नहीं होता। ओके, एंड अबाउट और भी पढ़े तो स्वीटनेस, ये 3/4 times स्वीट है एज शुगर, दिस इज स्वीटनेस, 3/4 times स्वीट एज शुगर है। एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है टुवर्ड्स राइट साइड, सो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। ओके, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही हुआ कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवल रोटेटरी क्या होता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ओके, सो दिस इज द प्रेपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज, सो जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूँ तो ग्लूकोज जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज से एग्जिबिट करता है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसे हम डीपली बाद में पढ़ेंगे, बट लेकिन यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए कि हमारे पास क्या हो रहा है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन देता है, बिकॉज रिएक्शंस के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट। तो ये इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ये 6 कार्बन कंपाउंड कंफर्म करता है बिकॉज ये जो है हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस से एक्ट करता है उसके साथ, एंड ये भी पता चलता है कि ये बाकी सारे कार्बन्स पर हमारे पास क्या है OH ग्रुप्स है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास OH है, OH है, अगेन OH एंड OH। ओके, तो इसकी रिएक्शंस हम बाद में मतलब अभी पढ़ते हैं, बट लेकिन इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ग्लूकोज के पास कौन से हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज 6। इनको कंफर्म करने के लिए ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे। इसमें से जो मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज अबाउट ओसाजोन फॉर्मेशन, सो मैं पहले ही इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके मैकेनिज्म्स भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं और इसको अच्छे से देखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शंस। देखो फ्रेंड्स, पहले तो हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे फॉर दी एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करने के लिए, बिकॉज इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे कंफर्म करेंगे। हम इसमें 3 रिएजेंट्स डालेंगे और तीनों रिएजेंट से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एल्डिहाइड है या नहीं है। ओके, पहले तो हम जो एल्डिहाइड है हमें पता है इट इज़ अ कार्बोनल ग्रुप, कार्बोनल ग्रुप की हमने स्टडी करी हुई है कि दैट इज C(O) ग्रुप। यहाँ पर H भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, R चेन भी हो सकती है, सो ये हमें पता है। ओके, तो पहली रिएक्शन जो मैं ग्लूकोज की कर रहा हूँ फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप इज कि मैं इसमें HCN डाल रहा हूँ। अब HCN डालने पर क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इट चेंजेस इनटू साइनोहेड्रिन। सो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारे जो सोल्यूशन है उसमें हमारे पास क्या ऑप्टेन हो रहा है, वी गेट साइनोहाइड्रिन एज अवर मेन कंपाउंड। बाकी सारे OH को मैंने यहाँ पर लिख दिया, इट इज 4,
एंड ये सी एच टू एच लास्ट वाला, एंड ये वाला जो है सी एच ओ, इट गेट्स चेंज इन टू अ साइनोहाइड्रिन, मतलब एक कार्बन पर हमारे पास ओ एच आ गया और उसी कार्बन पर हमारे पास सी एन ग्रुप अटैच हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एन, राइट। सो इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब अगर मैं इस ग्लूकोज में एक अदर कंपाउंड डालूं, मतलब हमारे पास अगर डालें हाइड्रोक्सिलमाइन, हाइड्रोक्सिलमाइन से क्या होता है, दिस इज एन एच टू ओ एच, हाइड्रोक्सिलमाइन इसको किस कहाँ पर चेंज कर देगा, इट विल चेंज इन टू एन ऑक्साइन। हमने ये एडिहाइड्स के वाले चैप्टर में भी सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है और हमने ये प्लस टू क्लास में पढ़ा हुआ है, राइट। सो यहाँ पर ये इसको एक हाइड्रोक्सिलमाइन क्या होता है, जिसमें कि डबल बॉन्ड एन ओ एच लगता है विद द कार्बन एटम। सो यहाँ से एच टू और ओ जो है एमिट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑक्साइम आ जाएगा। दिस इज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन एंड दिस इज ग्लूकोज ऑक्साइम। और कन्फर्मेशन करनी है कार्बन ग्रुप की, तो हम इसमें क्या डाल सकते हैं, हम डालेंगे इसमें फिनाइल हाइड्राजीन। पहले तो हमने हाइड्रोक्सिलमाइन डाला, अब हम डालेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, C6H5NH2NH2। इसका ये फॉर्मूला होता है NH2NH2 इज हाइड्राजीन, एक एच निकाल कर हमने बेंजीन रिंग लगा दी, मतलब फिनाइल ग्रुप लगा दिया, देन इट इज़ बिकमिंग अ फिनाइल हाइड्राजीन। अगर फिनाइल हाइड्राजीन डालें तो सेम रिएक्शन जो होती है नाइट्रो कंपाउंड वाली, कि हमारे पास ये दो दो एच टू है, यहाँ पर भी एच टू उड़ गए थे और ये क्या आ गया था, अब यहाँ से भी एच टू डिलीट हो जाएंगे, तो ये जो बाकी रह जाएगा दैट इज़ अवर हाइड्राजोन। सो इसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज़, ये पिछली वाली चेन तो सारी सेम रहेगी नीचे वाली, क्योंकि नीचे हमारे पास वो एडिहाइड ग्रुप नहीं है, यहाँ की कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये रिएक्शन सेम रहेगी एंड इसमें क्या आ जाएगा एन देन अगेन एन एच, बिकॉज एच टू यहाँ से डिलीट हो गए थे एंड C6H5 विल बी विद दिस, राइट। सो दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। आई थिंक आपको बहुत ईजी लग रही है ये रिएक्शंस। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं टू कन्फर्म दी एल्डिहाइड ग्रुप। अब अगर कन्फर्म करना है इसके बेस हमारे पास दूसरा इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं बाद में करवाता हूँ, बट लेकिन यहाँ पर एक और कन्फर्मेशन करनी है कि ये ग्लूकोज में पक्का एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या इसमें कीटोन ग्रुप तो नहीं है। सो अगर एल्डिहाइड ग्रुप को हमने चेक करना है, वी विल पुट हेयर ब्रोमीन वाटर, राइट। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, इस ग्लूकोज की जो होती है ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड ड्यू टू दैट ऑक्सीडेशन हमें पता लग जाता है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसने इसको चेंज कर दिया है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पर क्या बन जाता है, सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच फोर, राइट, एंड यहाँ पर सी ओ ओ एच लग जाता है बिकॉज सी एच ओ इज चेंज टू सी ओ एच। दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, ओके, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड जो है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज से बना है और ये एसिडिक ग्रुप प्राइमरी पोजीशन पर है, मतलब हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप था प्राइमरी वाला था और प्राइमरी वाला कार्बोनिल ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप। सो आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमने पढ़ना है अगर हम ये जो फिनाइल हाइड्राजीन है इसको एक्सेस में डाल दें, राइट, तो अगर इसको ज़्यादा मतलब एक्सेस में डाल दिया तो क्या होगा, हमारे पास बनता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज ओसाजोन। सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द सॉरी ओसाजोन फॉर्मेशन, दिस इज ओ एस ए, ओके, स्पेलिंग्स करेक्ट कर लीजिएगा, ओसाजोन फॉर्मेशन। एंड ओसाजोन में क्या होता है, हमारे पास हम सिंपल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेंगे। सो मैं यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक कंडेंस्ड फॉर्मूला टाइप में ले देता हूँ, दिस इज सी एच ओ एच फोर एंड दिस इज सी एच टू ओ एच, ये इसको थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें हम एक्सेस में फिनाइल हाइड्राजीन डाल रहे हैं, तो कितने फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करते हैं अगर हम एक्सेस में डालें, देन थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन आर रिएक्टिंग, ओके। अब जब थ्री फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो मेन कंपाउंड आता है दैट इज ओसाजोन, एंड ओसाजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास जो ये ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप है इट गेट्स चेंज इनटू हाइड्रोजोन, राइट, एंड एक और जो हमारा जो सेकंड कार्बन वाला ओएच होता है वो भी पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर अगेन इट इज चेंज इनटू हाइड्रोजोन, एंड बाकी सारे जो है हमारे जो ओ एच है दे गेट एज अ सेम, एंड बाकी जो लास्ट वाला ओ एच है वो भी एज इट इज रहता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज देयर, ओके। एंड दिस इसका नाम क्या है, दिस इज ग्लूकोसाजोन।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्लूकोसा जोन फॉर्मेशन के साथ ही हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारे पास क्या निकलता है, एनिलीन निकलता है। एनिलीन क्या होता है, दैट इज़ अमाइनो बेंजीन। और अमाइनो बेंजीन के साथ साथ हमारे पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल भी निकलता है और एक साइड प्रोडक्ट आता है वाटर। ओके तो ये तीन साइड प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, एंड मेन हमारा जो है ग्लूकोसा जोन इज अवर प्रोडक्ट। अब ग्लूकोसा जोन बना कैसे, अब इतना सारा चीज़ है तो ये समझ तो आई नहीं आपको रिएक्शन। अब इसे समझना है तो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सो हमारे पास दो मैकेनिज्म्स प्रपोज किए गए थे साइंटिस्ट की तरफ से। एक हमारा मैकेनिज्म है फिशर मैकेनिज्म, जो कि बाद में फेल हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा चला नहीं था। एंड एक हमारा है वीगैंड मैकेनिज्म। वीगैंड मैकेनिज्म को हम मॉडर्न मैकेनिज्म कहते हैं, एंड इन दोनों के बारे में अभी मैं आपको टीच करता हूँ। सो लेट मी टर्न द पेज हियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ ओसा जोन फॉर्मेशन, और इसमें हम फिशर मैकेनिज्म या फिर फिशर मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके फिशर मैकेनिज्म क्या कहता है कि हमारे पास पहले एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पड़ा था। सिंपल फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है 4 टाइम्स कर दो। ओके अब फिशर फॉर्मूला मैकेनिज्म क्या कहता है, ये ग्लूकोज जो है इट रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलराइट्राजिन। पहले तो एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, अब एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। आप साथ साथ में लिखे चलो, लिखोगे तो तभी आपको याद होगा। एक मॉलिक्यूल फिनाइलराइट्राजिन के साथ रिएक्ट करने पर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है, एंड विद एमिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, दैट इज फिनाइल हाइड्राजोन NH3CH5। ओके बाकी सारा जो नीचे ग्लूकोज है ये सेम रहता है, एंड ये OH मैं डिफरेंट लिख देता हूँ, बाकी ये तीन अलग लिखता हूँ बिकॉज सेकेंड कार्बन पर भी अटैक होने ना, तो ये मैंने अलग से ऐसे लिख दिया। अब एक तो मैं ग्लूकोज जिसका फिनाइल हाइड्रोजन का मैकेनिज्म जो है मॉलिक्यूल वो एक्ट कर गया। अब इस जो ये वाले मॉलिक्यूल पर, मतलब फिनाइल हाइड्राजोन पर हमारा जो है एक और फिनाइल हाइड्राजिन रिएक्ट करेगा। एक और फिनाइल हाइड्राजिन रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अब ये तो बाद में लिमिटेशन बन जाती है बिकॉज ये फिनाइल हाइड्राजिन इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा था तो ये लिमिटेशन बन जाएगी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये एक एनिलीन यहाँ पर बाहर चला जाएगा और एक NH3 मॉलिक्यूल जो है अमोनिया वो भी हमारा बाहर चला जाएगा। एंड ड्यू टू दिस यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो है सेकेंड कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये वाला NNH3CH5, एंड ये क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ में चेंज हो गया, एंड यहाँ पर बाकी CHOH थ्राइस एंड CH2OH। ओके तो ये हमें पता लग गया। अब हमने दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन के रिएक्ट करवा ही दिए, अब एक और मॉलिक्यूल जो है फिनाइल हाइड्राजिन का आएगा, तो यहाँ पर फिर से फिनाइल हाइड्राजिन C6H5NH NH2। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये वाला जो ऑक्सीडेट का कीटोन ग्रुप है वो भी चेंज हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन में, बिकॉज ये कार्बन ग्रुप की रिएक्शन है। सो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज़ अ प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर NNH C6H5, एंड बाकी सारा जो नीचे था वो सेम रहा। ओके तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज ग्लूकोसा जोन। ओके अब ये जो फिशर मैकेनिज्म है इसकी तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल और जाएगा तभी हमारे दो वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, राइट। इसकी जो लिमिटेशन है कि फिनाइल हाइड्राजिन तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पर लेकिन यहाँ पर इसने ऑक्सीडेशन कैसे कर दी ये फिशर नहीं बता पाया, और ये फिशर ने ये भी नहीं बताया कि सिर्फ ये दो ही कार्बन एटम्स क्यों रिएक्ट करे, थर्ड कार्बन एटम क्यों नहीं रिएक्ट करा, तो ये भी फिशर ने नहीं बताया, तो ये मैकेनिज्म फेल हो गया। अब इसकी जगह पर हमारे पास एक न्यू मैकेनिज्म आया, दैट वाज नोन एज वीगैंड मैकेनिज्म और दी मॉडर्न मैकेनिज्म। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न मैकेनिज्म को। ओके मॉडर्न मैकेनिज्म को दिया था वीगैंड ने, वीगैंड, ओके वीगैंड ने दिया था, तो इसलिए इसको कहते हैं वीगैंड मैकेनिज्म। एंड यहाँ पर जो है हमारा फिर से वही स्टेप्स होने हैं, पर लेकिन थोड़े से अच्छे वे से हमारे स्टेप्स होंगे,
तो अब देखो फ्रेंड्स कि हमारे पास वेगन ने क्या प्रपोज किया कि हमारे पास अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होगा, हमारा फिर से फिनाइल हाइड्राजिन फर्स्ट टाइम पे एक्ट करेगा। सो फिनाइल हाइड्राजिन अगर एक्ट करता है तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर चला जाता है और क्या बन जाता है, फिनाइल हाइड्राजोन जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो ये मैंने यहाँ पर फिनाइल हाइड्राजोन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड यहाँ पर ही हमारा जो सेकेंड कार्बन है उसको हमने इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, दैट इज़ कॉल्ड अमादरी रीअरेंजमेंट। ओके, इसे अमादरी रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुई कैसे, कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड था इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंड ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सो ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग है एंड ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड के ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़ गए तो दे विल गेट शिफ्टेड हेयर। ओके, सो ये रीअरेंजमेंट जो होता है ये हमारी मेन स्टेप है इस मैकेनिज्म का। सो इसमें क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा और हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड ये C, यहाँ पर OH था तो OH को मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, एंड ये वाला जो N N है इसने H को अट्रैक्ट करा है सो इट इज़ NH एंड यहाँ पर बाकी जो NH वो हम इसे ऐसे लिख देते हैं NH C6H5। अब ये जो NH है और ये जो OH है इनके बीच में एक पार्शियल सा बॉन्ड बन जाता है बिकॉज इसमें कुछ अट्रैक्टिंग करेक्टर होगा। एंड ये पार्शियल से बॉन्ड को हमने शो कैसे किया, बिकॉज यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जुड़ने शुरू हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा एंड ये वाला बॉन्ड यहाँ से इधर को शिफ्ट होगा, बाकी जो नीचे जो भी है वो सारा सेम रहेगा। ओके, सो ये सेम रहा और हमारे पास क्या हो गया, इस रिएक्शन में हमारे पास एनिलीन निकल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, एनिलीन निकल जाएगा माइनस C6H5NH2 बिकॉज ये वाला जो है एनिलीन पूरे का पूरा अलग हो जाएगा एंड बाकी जो है हमारे पास रीअरेंज प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज CH ये डबल बॉन्ड NH एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है एंड बाकी जो है नीचे रहा। ओके, अब ये जो है प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर सेकंड कार्बन में ऑक्सीडेशन हो रही है और दो ही कार्बन क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये OH सिर्फ एक ही एनिलीन में जाएगा। तो ये वेगैंड ने अच्छे से बता दिया। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया हमारे पास, इस पर क्या होगा, यही कि हमारा जो है ये NH अभी रिड्यूस नहीं होगा, इस पर फिनाइल हाइड्राजिन एक्ट करेगा तो ये सेकेंड कार्बन पर फिर से फिनाइल हाइड्राजोन बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देता हूँ। कैसे करेंगे, इसमें हम डाल रहे हैं C6H5NH NH2। सो यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देता हूँ बिकॉज स्पेस कम है। सो CH डबल बॉन्ड NH बिकॉज ये फर्स्ट वाला कार्बन पर थी, लेकिन यहाँ पर हमारा रिएक्ट करेगा डबल बॉन्ड NNH C6H5 एंड नीचे वाले जो भी से वो सेम रहेंगे CHOH3 एंड यहाँ पर CH2 OH। ओके, अब यहाँ पर इस रिएक्शन में आगे क्या होगा कि हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है NH वाला तो इस पर भी हमारा एक फिनाइल हाइड्राजिन आकर रिएक्ट करेगा NH NH2। ओके, तो यहाँ से अमोनिया बाहर चला जाता है बिकॉज ये NH रिएक्ट कर जाएगा। सो दैट इज CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 एंड जो सी डबल बॉन्ड ये तो पहले ही लगा हुआ था एंड नीचे जो है सारा सेम लगा हुआ है। सो दिस इज ग्लूकोसा जोन। अब ये वेगैंड ने इस तरीके से प्रिपेयर किया तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, दैट इज मॉडर्न मैकेनिज्म। ओके, अब फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वाली ओसाजोन फॉर्मेशन फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट मी टर्न द पेज हियर। सो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे अबाउट दिस
रिएक्शंस ऑफ एसिड एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसमें हमने चार रिएक्शंस पढ़ ली थी, HCN के साथ, NH2OH के साथ, फिनाइल हाइड्राजिन के साथ और ब्रोमीन वाटर के साथ। तो अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आएगा। हमारे पास ये जो ग्लूकोज है इसमें जो एल्डिहाइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम इसकी रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करेंगे तो सिंपली, चलो मैं यहाँ पर ऊपर रिडक्शन कर रहा हूँ, हम इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, समझ लो मैंने H डाले हैं, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी डाल सकते हैं। ओके, हम सोडियम एमलगम भी डाल सकते हैं और कैटलिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। सो इसके पास जो है इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारा ये जो CHO है इट विल गेट रिड्यूस्ड इनटू द अल्कोहल। ओके, सो ये हमारे पास जो है CH2OH बन जाएगा ऊपर वाला ग्रुप, एंड इस कंपाउंड का नेम है सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल। ओके, तो ये हमारी एक रिडक्शन रिएक्शन है। अब एक और रिडक्शन रिएक्शन में हमारे पास क्या करते हैं, हम इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस डालते हैं। इस रिएक्शन से हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज में 6 ही कार्बन एटम्स है। HA और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारे पास ये जो ग्लूकोज है इसके 6 के 6 कार्बन हमारे सामने आ जाते हैं, बिकॉज ये एन हेक्सेन बना देता है। ओके, सो 6 कार्बन आर कन्फर्म, दिस इज हेक्सेन। एंड क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट कार्बन है उसके एडजेसेंट वाला जो OH होता है वो रिप्लेस हो जाता है आयोडाइड से। सो हमारे पास 2-iodohexane भी बन जाता है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारा 2-iodohexane है, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ऑक्सीडेशन हमने पहले ही कर ली थी, पर लेकिन अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर हम इसमें HNO3 ही डाल दें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, तो हमारे पास क्या होता है, दोनों ही जो है प्राइमरी ग्रुप्स ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू दी अल्कोहल, ओ सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एंड इस कंपाउंड का जो नेम है दैट इज ग्लुकारिक एसिड। ये सभी रिएक्शन जो हैं वो ऐसे ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप को कन्फर्म करने के लिए हैं। और एक और हम रिएक्शन कर सकते हैं इसकी रिड्यूसिंग नेचर के लिए। ओके, तो रिड्यूसिंग नेचर में हम दो टाइप के टेस्ट करते होते हैं, एक टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और एक फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ओके, तो पहले हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, दिस इज फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट आ जाएगा, राइट। बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर हम कॉपर आयन डालेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम आयन्स एंड बेसिक मीडियम में है जो OH नेगेटिव आयन, ये सारा कुछ इसमें डालेंगे। तो हमारे पास जो है, हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट जो आते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक सोडियम सॉल्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो जो हमारा जो स्टार्टिंग वाला जो कंपाउंड है दैट इज दिस ग्लूकोज, इसके साथ ये जो CHO है इट इज कन्वर्टेड इंटू अ सोडियम सॉल्ट, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, और इसमें साथ ही कॉपर ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। रेड प्रेसिपिटेट से हमें कंफर्म हो जाता है दैट ग्लूकोज है रिड्यूसिंग शुगर, और ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, एंड यहाँ पर एक और टेस्ट, जिससे हम और भी कंफर्मेशन दे सकते हैं। सो एक और टेस्ट हम करेंगे दैट इज अवर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। सो दैट इज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। तो उसका जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है फॉर दी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड इससे क्या होगा, हमारा जो है अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा फॉर द ग्लूकोनिक एसिड। सो यहाँ पर सिंपल है, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड का, और हमारा सिल्वर मिरर आ जाएगा। ये सिल्वर जो है, सिल्वर मिरर हमने लेबॉरेटरी में करा भी होता है ये टेस्ट, सिल्वर मिरर आ जाता है, और हमारे पास जो है अमोनिया गैस इवॉल्व होती है और वाटर इवॉल्व होता है। सो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं फॉर द टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट के लिए। अब ये सारे ग्रुप्स से तो हमें पता चल गया दैट इट हैज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप। अब अगर हम देखें कि हमारे पास OH ग्रुप्स भी हैं, OH ग्रुप्स को कन्फर्म करने के लिए हम जो रिएक्शन करते हैं दैट इज एसिटाइलेशन, हम इसमें क्या करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है, ये मैंने पहले भी बताया, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, तो इसे हमने याद रखना है, एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे, कैसे
कितने मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर 5 ही एसिटिक एसिड निकल जाते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास जो है पेंटा एसिटेट मॉलिक्यूल बन जाता है ग्लूकोज का। सो इसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि हमारा जो एडिहाइड ग्रुप है उसका तो कुछ नहीं होगा, बट लेकिन ये जो OH ग्रुप्स हैं यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा CH, ये जो H है इसकी जगह पर क्या रहता है, ये सो CHO, देन अगेन O, बिकॉज H की जगह पर O लगेगा, और C डबल बॉन्ड O CH3, जिस एसिटाइल ग्रुप हमारा अटैच हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक O ही आएगा, दो नहीं आएंगे। ओके, देन अगेन ये CH2 O, ओके C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटाइल ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाएंगे। दिस इज पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज। और अगर मैं ग्लूकोज में हम इसमें मिथेनॉल डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl, ओके एनहाइड्रस HCl के प्रेजेंस में मिथेनॉल डालने पर क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोसाइड बन जाते हैं। सो ये हमारी एक लास्ट रिएक्शन है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ दिस दीज ग्रुप्स। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ, यहाँ पर ये सारे एक कार्बन एटम के अराउंड, जो सेकेंड कार्बन है इसके अराउंड हमारे पास जो है ग्लूकोसाइड का कार्बन बन जाता है, बाकी सारा रिएक्शन सेम रहेगा। ओके, तो ये हमने याद रखना है कि इसका जो है जनरल में फुल फॉर्म लगता है, दैट इज C6H11O5OCH3, दिस इज मिथाइल ग्लूकोसाइड, और ये सिर्फ एक ही कार्बन पर एक्ट करता है, एंड इसके साथ ही हमारे पास वाटर भी इवॉल्व होता है। सो इन रिएक्शन से हमें कंफर्म हो जाता है दैट ग्लूकोज जो है उसके पास OH ग्रुप्स भी हैं और एडिहाइड ग्रुप भी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। और भी दो चार रिएक्शंस होती हैं तो आप वो तो खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, बिकॉज उसके बेस पर भी क्वेश्चन आता है, वो इजी सा क्वेश्चन है, और वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो है फ्रक्टोज से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू अर चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच।